नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, यूडाइस प्लस से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ। यूडाइस प्लस पोर्टल पर जैसा कि आपको अवगत है, सभी शिक्षकों को स्टूडेंट का डाटा फिलअप करना है, अर्थात अगर कुछ स्टूडेंट छूट गए हैं तो उनको ऐड करना है, और अगर कुछ स्टूडेंट के आधार नंबर फिल नहीं है तो उनको आपको फिलअप करना है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन किसी कारणवश YouTube ने वो वीडियो हटा दी, इसलिए ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो यूडाइस प्लस पोर्टल को खोलने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा यूडाइस प्लस। जैसे ही आप यूडाइस प्लस को ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो इसमें देखिए यूडाइस प्लस स्कूल डाटा कैप्चर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएंगे तो इसमें आपको स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि आपको बच्चों का डाटा फिलअप करना है, तो इसलिए स्टूडेंट मॉड्यूल पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी SDMS ये आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है यूज़र फ्रॉम स्टेट अदर देन हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, लॉगिन ईयर, या आपको यहाँ पर लॉगिन करना था अगर इन स्टेट से अदर स्टेट के हैं, और फॉर अदर्स अदर यूज़र प्लीज़ की क्लिक हियर टू लॉगिन, तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको टिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना यूज़र आईडी लिखना है, अर्थात अपने विद्यालय का यूडाइस कोड लिखना है, पासवर्ड लिखना है, कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप करना है, और उसके बाद इसको आप लॉगिन कर देंगे। मैं यहाँ पर अपनी एंट्री फिलअप कर देता हूँ, उसके बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। हम इसको लॉगिन कर देते हैं। जैसे ही हम इसको लॉगिन करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले स्कूल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, किस तरह का आपका स्कूल है उसकी पूरी डिटेल आपके आ जाएगी, आप इसको चेक कर लेंगे। उसके बाद क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपके स्कूल की पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। देखिए इस पर जैसे आप ऊपर करेंगे तो इसमें आपके स्कूल के सभी बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे कि क्लास वन में कितने बच्चे हैं, क्लास वन में सेक्शन भी दे देंगे, कितने सेक्शन में कितने बच्चे हैं, ये इसमें आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिए क्लास वन में इसमें देखिए दो बच्चे ए सेक्शन में दिखाए गए हैं, और इसी तरह से क्लास वन में ही इस तरह से दिखाए गए हैं, दो बच्चे, दो बॉयज चार गर्ल्स, इस तरह से बच्चे दिखाए गए हैं। तो इसमें आगे दिया गया है व्यू मैनेज और ऐड स्टूडेंट। इससे पहले आपको यहाँ पर सबसे ऊपर थ्री डॉट दिए गए हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको डेस्कटॉप साइट पे चेंज कर लेंगे। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट पे चेंज कर लेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आपको टोटल बच्चे आपको दिखा दिए जाएंगे, कितने बच्चे हैं कितने नहीं, तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने बच्चों की लिस्ट भी देख सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया है लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो लिस्ट आपकी ओपन होके आ जाएगी, जितने भी बच्चे आपके यहाँ पर हैं उनको अपलोड करना है अगर उनकी लिस्ट को एक्सेल में, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो लिस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, और अगर उनकी लिस्ट को अपलोड करना चाहते हैं एक्सेल में तो यहाँ पे कर सकते हैं, तो इसको आप कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद आप फिर दोबारा से बैक जाएंगे, यहाँ पर देखिए ये आपके दिखा दिए गए हैं क्लास ए में कितने, क्लास वन में कितने सेक्शन हैं, क्लास टू में कितने सेक्शन हैं, ये दिखाए गए हैं टोटल बच्चे। अब हो सकता है कुछ बच्चे आपके यहाँ पर ऐड ना हो, इसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके स्कूल में
डुप्लीकेट बच्चे हों, यानी एक बच्चे का दो जगह नाम हो, तो आपको देखिए सबसे ऊपर इसमें दिया गया है डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। सबसे पहले आप डुप्लीकेट स्टूडेंट के रिकॉर्ड को चेक कर लीजिए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए डुप्लीकेट बाय, दो ऑप्शन दिए गए, सेक्शन लेवल, सेक्शन की तरह से डुप्लीकेट है या नहीं है, तो सेक्शन लेवल पे सर्च करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा सॉरी नो रिकॉर्ड फाउंड। अगर डुप्लीकेट होंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप उनको ऐड डिलीट कर देंगे। आप क्लास वाइज भी डुप्लीकेट्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं क्लास वाइज, तो यहाँ पर भी हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसका मतलब हमारे एक स्कूल में कोई भी बच्चा डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ से हम बैक जाएंगे और बैक जाने पर अब आते हैं जो हमारा असली काम है, व्यू मैनेजमेंट ऐड स्टूडेंट। अगर आपको बच्चे को ऐड करना है, कोई बच्चा आपका छूट गया है, तो ऐड पर क्लिक करेंगे और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर देंगे। देखिए हमने ऐड पे क्लिक किया, ऐड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट के 4.1 में स्टूडेंट का नेम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद देखिए उसका जेंडर लिखेंगे, उसके बाद देखिए 4.13 में डेट ऑफ बर्थ उसके लिखेंगे, स्कूल कोड या आईडी एज पर स्टेट ये आपको मिल जाएगा उस पे से, इसको भर देंगे, मदर नेम, गार्जियन नेम, उसका आधार नंबर, स्टूडेंट का आधार नंबर यहाँ पे भर देंगे, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब डिटेल आप उसकी भर देंगे। जहाँ पर भी आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी, देखिए सोशल कैटेगरी उसकी भर देंगे, मोबाइल नंबर, पिन कोड, ये सब उसका डिटेल भर देंगे। बीपीएल वो है या नहीं, नो पे क्लिक कर देंगे, अगर है तो नहीं है 4.15, इसी तरह से 4.15 यस अंत्योदय है तो इसे नो कर देंगे। CWSN यानी बच्चा चाइल्ड विद स्पेशल नीड का है या नहीं, अगर नहीं है तो नो करेंगे और है तो यस कर देंगे। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपको कैटेगरी देखनी पड़ेगी, वो आपका समर्थ ऐप पे आपको मिल जाएगा, अगर बच्चे ने समर्थ ऐप पे एंट्री की हुई है। उसके बाद EWS कैटेगरी से है, अब EWS कैटेगरी आपको देखनी होगी कि जनरल के वे बच्चे जिनकी आय 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए से कम होगी, वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जनरल के बच्चे आते हैं इसमें, यस करेंगे वरना नो करेंगे, या उनपे 8 बीघे से कम जमीन है तो उनको ही इसमें भरना है, नहीं तो आप इसमें नो कर दीजिए। और उसके बाद स्टूडेंट आउट ऑफ स्कूल है करंट प्रीवियस ईयर में, हाँ यस और नो, ये आप देख लीजिए, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल भी आपको समर्थ ऐप पे मिल जाएंगे जो जो बच्चे आपने दिखा रखे हैं। उसके बाद आपको व्हेन द स्टूडेंट इज मेन स्ट्रीम, ये आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से इसकी एंट्री को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद देखिए इसमें आपको बच्चे की तीन इन्फॉर्मेशन भरनी है। सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन भरनी है, फिर एनरोलमेंट डिटेल स्टूडेंट की भरनी है, उसके बाद फैसिलिटी और अदर डिटेल भरनी है, तो इस तरह से आप इसको भर लेंगे। इसको हम बैक कर देते हैं। अब देखते हैं व्यू और मैनेज, व्यू और मैनेज में आपको क्या करना है। देखिए व्यू मैनेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बच्चों की डिटेल आपके सामने निकल के आ जाएगी, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, और देखिए अगर आप एंट्री पूरी है, जैसे मैंने एक बच्चे की एंट्री यहाँ पर पूरी की है, तो एंट्री स्टेटस में कंप्लीट लिखा आ जाएगा, लेकिन अगर आपके यहाँ इन प्रोग्रेस आ रहा है लिखा हुआ और ये आपके रेड कलर के आ रहे हैं, तो आपको इनको पूरा करना होगा। GPEPSF, GP का मतलब जनरल, उसकी डिटेल जो है जनरल प्रोफाइल उसका पूरा करना है, EP का मतलब है एनरोलमेंट प्रोफाइल आपको पूरा करना है, और SF का मतलब स्टूडेंट प्रोफाइल पूरा करना है, और उसके बाद आपको उसकी कंप्लीट डिटेल आपको करनी है। देखिए एक बच्चे की मैंने यहाँ पूरी कर दी है, तो पूरी करने पर ये एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड आ जाएगा और फॉर्म स्टेटस GPEP ये आपकी ग्रीन हो जाएगी। आपको करना कैसे है देखिए, आप एक बच्चा देखिए एक काव्या है, इसकी डिटेल हमें पूरी करनी है, तो सबसे पहले GP पे क्लिक करेंगे। GP पे क्लिक करने के बाद कुछ एंट्रीज इसकी अपने आप आ जाएंगी, जो एंट्रीज की नहीं है, जैसे आधार नंबर, यहाँ पर उसका आधार नंबर भर देंगे, इसको आप पूरा कर लीजिए। अगर आपका आधार सही है तो ये ग्रीन टिक आपका हो जाएगा, और आधार में उसका नाम क्या है बच्चे का वो यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। जब उसका आपका नाम एंट्री करेंगे तो वो भी आपका ग्रीन हो जाएगा, टिक लग के आ जाएगा। इसी तरह उसका मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना है, अल्टर मोबाइल नंबर, उसकी कैटेगरी फिलअप करनी है, माइनॉरिटी ग्रुप उसका कौन कौन सा माइनॉरिटी ग्रुप है, देखिए इसमें माइनॉरिटी ग्रुप भी दिए गए हैं,
देखिए, अगर मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन इनमें से है तो इसे क्लिक कर देंगे, वरना ना पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह से CWSN से है या नहीं, यहाँ पर नो है, स्टूडेंट इंडियन है, तो ये सारी डिटेल आपको भरनी है। ये सब डिटेल भरने के बाद जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा अपडेट के बाद सेव और नेक्स्ट। तो देखिए, इस तरह से नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद इसका आपका दूसरा एनरोलमेंट डिटेल आपको आनी है। दिस इज मेज स्टूडेंट एडमिशन नंबर इन स्कूल, उसका एडमिशन नंबर क्या है, इसका मतलब क्या है, उसका SR नंबर क्या है, वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद 4.2.2 में एडमिशन डेट, किस डेट में उसका एडमिशन हुआ, ये आपको भरना है। उसके बाद क्लास सेक्शन में उसका रोल नंबर क्या है, वो आपको भरना है। उसके बाद एकेडमिक सीजन ऑप्टेड बाय स्टूडेंट, किस सीज़न में हायर स्कूल के लिए आपको भरना है, तो ये आपको नहीं भरना। उसके बाद स्टेटस, स्टूडेंट प्रीवियस एकेडमिक ईयर स्टेटस क्या था उसका, यानी पिछले साल कहाँ पढ़ रहा था, यहीं पढ़ रहा था, तो इसमें आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट एट करंट सेम स्कूल में था, अदर स्कूल में था, आंगनबाड़ी में था, नन ऑफ था, अगर पहली क्लास में है तो आंगनबाड़ी में ही होगा, दूसरा में है तो इसी क्लास इस स्कूल में होगा, तो ये सब स्टेटस आप इसमें भर देंगे। उसके बाद ग्रेड या क्लास स्टडी इन प्रीवियस, कौन सी क्लास में था वो। उसके बाद एडमिटेड एनरोल्ड अंदर कैसे, ओनली प्राइवेट के लिए आपका आएगा ये, इन द प्रीवियस क्लास स्टडी वेदर अपेयर फॉर एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन के लिए अपेयर हुआ या नहीं हुआ, ये सब आप आ जाएंगे। तो इसमें पूरी डिटेल आप भरने के बाद सेव के ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे सेव करेंगे तो फिर ये आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पे पहुंचने पर स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, जैसे फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट फॉर नेक्स्ट ईयर, जैसे यस कौन कौन सी हैं, जैसे फ्री टेक्स्ट बुक है इस पर टिक कर देंगे, फ्री ट्रांसपोर्ट अगर मिल रहा है, ये यूनिफॉर्म मिल रही है, देखिए फ्री साइकिल, ये सब चीज़ डिटेल आप भर देंगे। स्कॉलरशिप उसको मिली है तो नहीं, हाँ तो नहीं है तो ना, ये सब भर देंगे आप 4.31 में। इसके बाद फैसिलिटी प्रोवाइडेड स्टूडेंट इन केस ऑफ CWSN, अगर CWSN में स्टूडेंट है यानी चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, तो उसे क्या फैसिलिटी मिली, साइकिल मिली, ब्रेल किट मिली, तो ये आप भर देंगे। अगर नहीं मिली तो नो कर देंगे सीधा। वेदर स्टूडेंट हैज़ बीन स्क्रीन फॉर स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटीज, उसके लिए स्क्रीन किया गया, यस और नो भर देंगे। तो ये सारी डिटेल आप ध्यान से पढ़ पढ़ कर इनको भर देंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इसमें मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं डिटेल नहीं भरूंगा, क्योंकि एक वीडियो यूट्यूब ने पहले ही डिलीट कर दी है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें मैं आपको नहीं बता सकता। तो उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी, आपने जो जो भरी, और उसके बाद जो है सेव का ऑप्शन, कंप्लीट डाटा के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पूरी कर देंगे, देखिए जैसे पूरी कर देंगे तो आपको कंप्लीट डाटा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप कंप्लीट डाटा के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप बैक जाएंगे तो स्टूडेंट का डाटा जो है आपका, देखिए इस तरह से फिलअप किया आ जाएगा, SP EP SF, ये ग्रीन हो जाएगा आपका, और इसका एंट्री स्टेटस आपका कंप्लीटेड हो जाएगा। इस तरह से आपको एक एक बच्चे की डिटेल चेक करनी है, उनको पूरा करना है, और अगर कुछ बच्चे आपके छूट गए हैं उनको आपको ऐड स्टूडेंट पे, देखिए यहाँ पर ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ पर अगर आपका कोई स्टूडेंट आपको लगता है कि आपका छूट गया है तो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करके उसके तीनों प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और जो उसको फैसिलिटी मिल रही है वो प्रोफाइल पूरा करना है। तो ये डिटेल आपको पूरी करनी है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो डिलीट हो गई है, आप इस वीडियो की मदद से अपने इस डिटेल को पूरा कर लीजिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।